तो आज हम लोग इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्री में बनने जा रहे सबसे सुपर फास्ट हीरो द फ्लैश। भाई यार आज मैंने बहुत ही ट्रेनिंग कर ली है गाइज। आपको पता है कि हम आज क्या है, आज हमारे मोहल्ले में रनिंग कंपटीशन है, आज हमारे शहर में बाइक रेस होने वाली है जो कि बहुत ही खतरनाक प्लेयरों के साथ होगी। जो भी इस रेस को जीतेगा उसको मिलेंगे पूरे 10,000 रुपये। भाई साहब कितने अच्छी अमाउंट है यार, इस रेस में मैं भी पार्टिसिपेट लूँगा गाइज। तो ये रेस जस्ट अभी चालू होने वाली है और मैं ऑलरेडी लेट हूँ और मुझे वहाँ पर पैदल ही पहुँचना पड़ेगा। अगर मैं गाड़ी ले जाता हूँ तो देख लेंगे और मुझे यहाँ से प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने देंगे। मेरे मोहल्ले के पीछे ही रेस हो रही है, चलो चलते। तो इस पॉइंट पर होने जा रही है हमारी रेस जहाँ पर हम 5 लोग होंगे। तो ये स्टार्ट लाइन और ये फिनिश लाइन, काफ़ी लंबी रेस है। जो ये रेस जीतेगा उसी को ही 10,000 रुपये मिलेंगे। तो फाइनली गाइज हम 5 लोग आ चुके हैं और हमारी रेस होने वाली है 3, 2, 1 Let's go, guys, कौन जीतेगा कमेंट में अभी से बता दो। ये लोग तो भाई मेरे से ऑलरेडी आगे जा रहे हैं, वो भी फास्ट। यार कितनी तेज भागते हैं लोग, मतलब कि भाई कहाँ निकल गए यार, अभी तो मेरे साथ ही है ये लोग थे लेकिन पता ही नहीं चला कि कहाँ चले गए ये लोग। और गाइस रेस जीत भी गए। भाई साहब ये क्या था, घोड़ा है कि इंसान, इतना तेज कौन भागता है। और मैं ही सबसे लास्ट में रह गया, मेरे को बहुत ही लज्जा आ रही है यार, बहुत ही शर्म आ रही है। अब की बार मैं इस नलों से वापस हर गए तो मेरी मार्केट में क्या इज्जत रह जाएगी। मेरे को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा है यार, बहुत ही, मतलब कि यार ये कौन, ये कैसा है खेल है भाई। मैं हार गया, इतनी सारी मेहनत मेरी भाड़ में गई। चलो यार मैं टीवी देख लेता हूँ अभी। अरे भाई ये क्या, भाई यार आज तो सच में फ्लैश बनने का मौका मिल रहा है हमको, तो हम लोग फ्लैश बन सकते हैं यार। हम लोग को बस अपने फ़ोन में फ्लैश सर्च करना है, तो सर्च करता हूँ। ये क्या, तू तो लास्ट आया था रेस में, तू क्या फ्लैश बन रहा है। भाई ये क्या गजब बेइज्जती है यार, मतलब कि यार दे दो यार प्लीज, ऐसे मत करो। चलो यार ठीक है मान गए, ये लोग मुझे क्या है कि 1 हफ्ते तक अच्छी ट्रेनिंग करनी होगी तभी आपको फ्लैश बनने का मौका मिलेगा। मुझे गाइस क्या है कि 1 हफ्ते तक अच्छी ट्रेनिंग करनी होगी, उसमें मैं जब पास होगा तब ये लोग मुझे फ्लैश की पावर देंगे। तो फिर चलते हैं ट्रेनिंग की और चलो हमारी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, तब तक मैं ट्रेनिंग कर लेता हूँ। जब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए ओपी ट्रेनिंग। तो 7 दिन तो बीत चुके और हमारी ट्रेनिंग भी हो चुकी है। सो फाइनली गाइज हमारे 7 दिन तो बीत चुके और मुझे भी लगा कि मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। और भाई मैसेज भी आ चुका है, मुझे तो मैसेज ये आया है कि पहले मुझे बाकी टेस्ट करने होंगे और बाद में ही फिजिकल टेस्ट करना है। ओके तो सबसे पहले यहाँ पर एयरपोर्ट की एक वीडियो है, जो एयरपोर्ट के अंदर एक सीक्रेट लैब है। इस लैब का रास्ता ऊपर वाले फ्लोर के एक गेट से है और फिर हमें अंडरग्राउंड जाना पड़ता है। तो ये वो लैब जहाँ पर हम लोगों को बहुत कुछ काम करना है फ्लैश बनने के लिए। तो ये मशीन है ना जो कि आपको लैब में लानी है, ये हमारी पार्टिकल एक्सेलरेटर, ये दो, ये मशीन यार रैम के ऊपर रखी हुई है, बड़ी सी मशीन है। मैं सोच रहा हूँ कि अपनी कार में रखकर इसको लेकर आऊँ, लेकिन यार कार क्या रैम के ऊपर चढ़ पाएंगी, अगर यार न चढ़ पाएगी तो मेरा क्या होगा। मुझे लग तो नहीं रहा है कि कार रैम के ऊपर चढ़ पाएंगी, बट यार एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, पैसे तो लगते नहीं है। पहली जम तो बार बार बच गई। भाई साहब बहुत मुश्किल से आया हूँ मैं यहाँ पर और मेरे को तो नहीं लग रहा है कि ये चढ़ पाएंगी। क्या लगता है गाइस ये कार क्या मुड़ कर, ये रैम मुड़ रहा है ना, ये देखो हमारा मुड़ चुका है। तो वो फाइनली गाइस हमारा रैम तो मुड़ चुका है। अबे यार ये वापस गिर गई यार, अब यार कार को छोड़ो मैं बाइक से ही इस रैम पर जाऊँगा। तो हम आ चुके बाइक लेकर पल्सर S200 हैं जो कि भाई साहब बहुत ही तेज़ भागती है। वैसे भाई बाइक और कार में तो फ़र्क तो है, मैं यार फुल स्पीड में बाइक को नहीं चला रहा तो भी यार भाग रही है फुल स्पीड में। और हमारा आखिरी बार रैम आ चुका है, इस पर हमको परफेक्ट लैंडिंग करानी होगी। अभी हमें पार्टिकल एक्सेलरेटर मशीन पे पाएंगे और फाइनली हम परफेक्ट लैंडिंग करा दी है। और भाई साहब हमारी गाड़ी परफेक्टली लैंडिंग हो चुकी है और ये रही हमारी पार्टिकल एक्सेलरेटर मशीन जो कि बहुत ही बड़ी है भाई साहब। और इसी मशीन को हमको लैब में जाना है, चलो फिर इस मशीन को लैब में चलते हैं। लेकिन मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, बाइक है, क्या बात है, मैं भाड़े पे कर दूंगी, 200 रुपये का किराया दे दूंगी। और चलते हैं हम लैब की ओर। साइंस लैब में अब हमारा काम है और अब हमको साइंस लैब में जाना है और पार्टिकल एक्सेलरेटर मशीन को सेट करना है जिससे हम फ्लैश बन सकते हैं। एयरपोर्ट के ऊपर वाले फ्लोर पर सीक्रेट साइंस लैब है, तो इस सीढ़ी से हमको चढ़ना है और सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर पहुँचना है। तो सीढ़ी चढ़ के ऊपर मैं आ चुका हूँ और ये रहा लैब का गेट। तो मैंने गाइस पूरी मशीन सेट कर दी है, पार्टिकल एक्सेलरेटर पूरी मशीन रेडी काम करने के लिए।
मैं क्या करता हूँ कि आपको बता दूँ कि ये तीन केमिकल है ना जो मैंने डाले इस वाली मशीन के अंदर, ठीक है, और मैं इस मशीन के अंदर केमिकल कैसे डाले पिस्तौल की मदद से। तो फिर चलो बटन को दबाने, स्टार्ट, लेट्स गो। यार मशीन चालू क्यों नहीं हो रही है? अबे भाई मैंने अभी स्टार्ट तो किया है, क्या हो जा भाई, चालू हो जा। अबे भाई हो गई चालू मशीन, भाई इतनी हिल क्यों रही है? अरे ये क्या हो गया भाई, मैंने मशीन को ख़राब कर दिया है, भागो यहाँ से। पार्टिकल एक्सेलरेटर मशीन ख़राब हो चुकी है, लेकिन कैसे? ये सब तो छोड़ो भाई, आसमान को क्या हो गया है? ये मशीन के कारण तो नहीं हुआ? अरे यार ये आसमान तो पूरा काला पड़ चुका है, ये मैंने क्या कर दिया? इतनी बड़ी बिजली आ पाई, लाइटनिंग हो रही है, यार मैंने कुछ तो गड़बड़ी कर दी है, जल्दी भागता हूँ यहाँ से। अबे ये क्या हुआ था भाई, मेरे पर तो बिजली गिर गई थी, ये क्या हो गया, मैं लाल कैसे हो गया? भाई मेरे ऊपर तो फ्लैश का सूट लगता है, बिजली गिरने की वजह से मेरे ऊपर फ्लैश का पावर आ चुकी है भाई, मेरे ऊपर तो फ्लैश का सूट आ चुका है। यार मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा है, लगता हूँ चेक करता हूँ ये रियल है कि फेक है। फाइनली मैं फ्लैश बन चुका हूँ, मैं यहाँ से खुद देखता हूँ कि मैं कूदता तो हूँ कि नहीं, तो फाइनली मैं कूद चुका हूँ। अबे भाई मैं तो बन चुका हूँ असली में फ्लैश, और मेरे अंदर बहुत ही एनर्जी है, मेरे भागने की कर रही है, तो मेरे को फटाफट भागना पड़ेगा। तो आप जब रेडी हो, 1 2 3 लेट्स गो। भाई साहब क्या स्पीड है भाई, ये तो ट्रेन या नहीं प्लेन से भी स्पीड से ज़्यादा स्पीड है इसकी तो। भाई यार फ्लैश तो ये एक नंबर हीरो है भाई, इतना दूर भाग रहा हूँ भाई, देखो ये मेरे पीछे है ना, फ्लैश तो मैं छोड़ दिया हूँ, ऐसे देखो आपको कैसे दिख रहे हैं भाई साहब, इतनी स्पीड में तो आपको कितना अच्छा लगेगा, ये देखो मेरे अल्ट्रा पावर। भाई साहब मैं अंदर बिल्डिंग के अंदर भी जा सकता हूँ, ज़मीन के अंदर भी जा सकता हूँ, कहीं पर जा सकता हूँ, कई बार भी यहाँ का नहीं, मैं फ्यूचर के अंदर भी जा सकता हूँ।